हाय, वेलकम टू द यूएबी इन्फो। इस समय मैं हूँ मेरे शहर जोबट में, और जोबट में आपको दिखा रहे हैं एक हाईपेड बकरा जो कि भाई लाए भाबरा से। जानते हैं इस बकरे के बारे में और बकरे की डिटेल लेते हैं। बकरा ईद का सीजन है तो आपके लिए कुछ चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, जैसे मंडी से इसको हम खींच के बाहर लाए कि चलो भाई आप अंदर रहने लायक नहीं हो, आपको बाहर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। सबसे पहले बताइए कैसे आना हुआ मंडी और कैसी लगी जोबट की मंडी? बहुत बढ़िया मंडी है? और माल भी बहुत आयला है, बहुत माल। और पब्लिक भी बहुत आई हुई है, पब्लिक भी बहुत, माल भी बहुत। जितना बकरा उतनी पब्लिक है के पब्लिक से ज्यादा माल भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो फिर आपको ये चीज मंडी में लाने की जरूरत कैसे पड़ गई? शौक से लिया है, शौक से लेके आया है इसको, खाली घुमाने के लिए। घुमाने तो अपन वीडियो में सबसे पहले एक काम करते हैं, नंबर ले लेते हैं ताकि आसानी हो, क्योंकि फिर बीच में आपके कमेंट आते हैं कि नंबर क्या है, नंबर क्या है। तो बकरे की बात करने से पहले जानते हैं इनका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर 7000805015। हकीमी गोट फार्म के नाम से भाबरा में लोकेटेड है। हकीमी गोट फार्म भाबरा डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर। भाई का नाम हुसैन। हुसैन भाई बकरा लेकर आए हैं जी, जो ब्रीडिंग क्वालिटी का बकरा मगर मार्केट में आया है, तो आप जानते हैं इस बकरे के बारे में भी? ये हाईपेड बकरा है भाई, हाईपेड है और ये 8 दांत हो चुका है। 8 दांत, ये नहीं कि ये महीने 2 महीने पहले 8 दांत हुआ है जी, मतलब फ्रेश 8 दांत है जी। वेट में क्या होगा अनुमान? वेट में 90 किलो है, मैं रात को तोल के ले गया हूँ इसको। 90 किलो 90 किलो। और कीमत? कीमत 1 लाख रुपए कर रहे हैं। 1 लाख रुपए क्यों? ये मंडी के हिसाब से तो थोड़ा ओवर प्राइस हो जाएगा ना? नहीं, क्वालिटी के हिसाब से है ना भाई। तो फिर मंडी में वही तो कहना पड़ रहा है कि मंडी के लायक नहीं है ये, पर अब घुमाने के हिसाब से लिया था, अगर बिकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखे बता दे भाई आपको कि ये बकरा जो है, जैसे किसी को ब्रीडिंग सेटअप वगैरह हाँ, है तो उसके लिए बेहतरीन है, क्वालिटी वाला बकरा के ऐसे बकरे होना चाहिए कि जो इसकी फ्रेम है, बकरा दिखाना जैसे इसकी जो फ्रेम है, अरे बाप रे बहुत शातिर है, ये घायल कर देगा, आप ही पकड़िए बिल्कुल। इसकी मस्ती बुखार खेलने वाला, अगर कुर्बानी के लिए भी चाहिए हो तो काम का ही है। हाँ बताइए कब से है अपने पास? क्या ये अपने को 2.5 साल हुए उसको, पौने 3 साल, 2.5 साल से अपन इसको संभाल हाँ, संभाल रहे हैं इसको। तो फिर अभी क्या हो गया कि इसको सेल करना पड़ बस ऐसे ही शौक से लिया है मंडी में अपना खाली हाँ। पब्लिक सिटी करने के लिए के मतलब एक गोट फार्म की पब्लिक सिटी हो अपने पास, ऐसा जानवर दिखे और अपने से कॉन्टेक्ट में रहे अपने लोग। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि गोट फार्मिंग का कल्चर अभी इतना डेवलप नहीं, है हाँ। तो उसके हिसाब से अपन माल लेके आए हैं क्वालिटी वाला। जैसे अपने फार्म पे अभी कितने नंगे और अपने पास 40 नंगे, बच्चे और बड़े है सब हो गए, तो बस ये 100 पीस लेके, ये एक ही पीस लेके लीडर अपने पास यही है की एक मेन एक यही है और एक हैदराबादी भी है, एक हैदराबादी हैदराबादी। जैसे इसके बाद अपन दिखाते इनकी बकरियाँ, ये बकरी दिखा रहे हैं भाई की, इसके बारे में जानते हैं, बताइए। ये 8 दांत पर बकरी है, व्हाइट आइस में हाईपेड बकरी है, 8 दांत फ्रेश है 8 दांत फ्रेश है। और ये बकरी ये वाले बकरे से भरी हुई है, जो अपना है ब्रीडर, अपना ब्रीडर है उससे ही भरी है, 3.5 महीने की लोड है, 2 बच्चे डालती है और व्हाइट आइस में ही बच्चे डालती है। तो कौन सी नस्ल का है ये? हाईपेड में गिना ये भाई, हाईपेड में, व्हाइट आइस में फुल गुलाबी बकरी है और हाईपेड में गिना। पहले इसके बच्चे वगैरह आए आए हैं ना? व्हाइट आया, व्हाइट आइस में आया, व्हाइट आइस में और व्हाइट आया। अच्छा, एक बकरी ये और एक बकरी और है, आपको वो दिखाते हैं। जैसे इस बकरी के बारे में बताइए। ये तोता अपने तोता परी गिना ये बकरी और ये भी 8 दांत फ्रेश है और ये भी 3.5 महीने की यही वाले बकरे से लोड है, ये भी लोड 5 फेस में है। क्रॉस ब्रीडिंग भी करा रहे हैं अपन? हाँ, एक बकरी थी मेरे पास तो मैंने क्या इसको इससे ही भरा है बच्चे, ये भी वाइट ही डालती है। तो इसको अपनों ने पहले क्रॉस अपने या बच्चे हाँ, ले रखे ना, ले रखे तो 2 बच्चे डाले इसने भी। तो जिस किसी भाई को भी अगर इनमें से कोई बकरी पसंद आती है अगर और दूसरे भी आते हैं हाँ। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको बच्चे वगैरह सब दूंगा, हैदराबादी भी हाईपेड भी बच्चे है, पतिरा के भी है और इसके भी बच्चे पड़े हुए हैं, सब दूंगा, मेरे पास सब मिल जाए। नहीं, आपको ये फायदा होगा कि ये जो बकरी है ये सेल पे तो अवेलेबल है, कुछ और जानवर भी अवेलेबल है और इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि इन बकरियों के और उस बकरे के रिजल्ट क्या है, क्या है इस फार्म पे मिल जाएगा। तो उसमें आपको आसानी होगी कि इस बकरे के रिजल्ट के हिसाब से कि ये बकरा आपके लायक है कि नहीं है, ये बकरी आपके लायक है कि नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए बच्चे और ब्रीडर माँ बाप बच्चे हर चीज आपको सब टोटल सब घर की बकरियां है, कोई परचेसिंग करी पर आगे से परचेसिंग करी हुई थी लेकिन घर पे ही रख के ने बड़ी कर रखी इन्हों को।
तो ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मंडी का काम शुरू करते हैं। अब कुछ बकरियां थी और हमारे भाई पुराने पहचान वाले, इनकी बकरियों को हम लेकर आए स्पेशल मंडी से बाहर के। चलो आपका बकरा हम अलग से दिखाते हैं। अब दिखाएं आपको बकरा। जिस किसी भाई को भी अगर कोई भी चीज़ अगर पसंद आती है तो बिल्कुल आप संपर्क कीजिए, ट्रस्टेबल बंदे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।